नमस्कार, जय श्री राम। पंडित राकेश जैन, और इस टाइम हम अब चौकी के करीब पहुंच चुके हैं। जैसा कि अभी आपको हम दिखाएंगे अपने क्लिप में कि हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तावन से रेस्क्यू 1122 और सिक्योरिटी का भरपूर तावन हासिल है, और अभी हम आपको क्लिप में भी बाकायदा दिखाएंगे। और हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कि जिसने हमारे साथ भरपूर तावन किया और हमारे साथ फोर्स और 1122 को मुहैया किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हमारा जो रावलपिंडी से यात्रा के लिए निकले थे यात्री, वो आज बलूचिस्तान से निकले हैं यात्रा करके, और जो 1122 का जो इदारा था उन्होंने भरपूर यात्रियों का साथ दिया। तो आए नाज़रीन, आपकी बात करवाते हैं। ये पंडित राकेश, आप हैं, आप क्या कहेंगे महाराज 1122 के बारे में? पूछा बोलिएगा। मैं पंडित राकेश चांद, हम रावलपिंडी से बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं, और जब हमने सिंध से गुजरते हुए बलूचिस्तान के हदूद में दाखिला किया तो हम डीजी डायरेक्ट जो डीजी हैं 1122 असगर रमज़ान साहब, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने एक काबिल तारीफ अदारे के काबिल तारीफ अपने नुमाइंदे हमारे साथ तैनात किए, जिनके हम इंतहाई मशकूर हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ जिनके ऊपर ड्यूटी इनकी तैनात की गई थी सिर्फ उन यात्रियों को, बल्कि वहाँ पे मौजूद दूसरे यात्रियों के भी भरपूर खिदमत अंजाम दी। मौके पे बहुत से यात्री ऐसे थे जिन्हें रेस्क्यू की ज़रूरत थी, फर्स्ट एड की ज़रूरत थी, और इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी ड्यूटी महदूद है, इन्होंने इंसानियत के नाते दूसरे यात्रियों को भी फैसिलिटेट किया। हम एक मरतबा फिर डीजी साहब का और 1122 बलूचिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है नाज़रीन, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, अमीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, शायद भाई मौजूद हैं, और सरवर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मोहन लाल केशव महाराज हैं जो हमारे कृष्णा मंदिर के चेयरमैन भी हैं। सर, आप क्या कहेंगे 1122 के बारे में, जो इन्होंने 48 घंटे हमारी यात्रियों की खिदमत की, और रमज़ान के अंदर इन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी उसको खूबसूरत तरीके से निभाया, और जो यात्री गए हुए थे हमारे पहाड़ी के ऊपर वो जब वापस आ रहे थे तो उनकी तबीयत ख़राब होगी, तो आप क्या कहेंगे इन्होंने रेस्क्यू किया? जनाब, मैं तो ये कहूँगा कि रेस्क्यू वालों ने 1122 वालों ने वो किरदार अदा किया कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे, कि जो हमारी कोई 10 से 12 फैमिली हैं पहाड़ी पे चढ़े 84 लाख पे, जब वापस आए हैं तो उनकी हालत बहुत गैर हो चुकी थी, और इन्होंने 1122 वालों ने फौरी एक्शन ले के हमारी कम से कम भी 8 से 10 लोगों को तो फौरी एमरजेंसी में उन्होंने ट्रीटमेंट दी, और इसके अलावा मज़ीद जो वहाँ पे यात्री आए हुए थे उनको भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत मदद ट्रीटमेंट किया, उन्हें बहुत सहूलतें फराहम की। तो मैं तो ये कहूँगा कि 1122 वालों ने पुलिस का भी किरदार अदा किया, और जो मरीज़ों के साथ एक डॉक्टर तावन करता है जिस तरह, सेम लाइक उन्होंने ऐसे किया। हमारे रूम में तो ऐसे लगता था जैसे ये कोई सिविल हॉस्पिटल या कोई इस तरह की चीज़ दस दी। स्टेप बाई स्टेप सारों ने ड्रिपे लगा कर एक लाइन में लेटे हुए, तो हमें देखकर बड़ी खुशी हुई कि इतनी सहूलतें तो मुमकिन नहीं लगती थी कि इस इलाके में जितनी उन्होंने हमें एक जंगल एक आउट ऑफ एरिया में मुहैया की। हम सलूट करते हैं इनके पूरे इदारे को, इनकी इंतज़ामिया को, जो कुछ भी ये इदारा है, और जितने ये हमारे भाई रात दिन हमारे लिए ड्यूटी देते रहे, हम शुक्रगुजार हैं। जी, हमारे साथ पंडित साहब भी मौजूद हैं, अपना पंडित जयप्रकाश साहब, ये जो मनसेर मंदिर हैं उनके, ये वहाँ की देखभाल करते हैं। महाराज, आप शॉर्ट अल्फाज के अंदर से ये बता दें कि रमज़ान का महीना चल रहा है और इन भाइयों ने हमारे यहाँ पे जो सर्विस दी, इन्होंने 1122 का इदारा, आप क्या कहेंगे 2 अल्फाज के अंदर? मैं तो इनका शुक्रिया अदा करूँगा, इनके बड़ों का भी जो अदारे के सरबराह हैं, और इन भाइयों का भी कि इन्होंने रोज़े रमज़ान के महीने में रोज़ा रख के हमारी खिदमत की, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत नवाजस। सही है नाज़रीन, हमारे साथ अमीर भाई मौजूद हैं। अमीर भाई, हमारे जितने भी यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं या आप जो मेम्बरान हमारे आए हुए हैं, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? आपने जो सर्विस दी, क्या इन्होंने भी आपके साथ कोई अच्छा तावन किया? बहुत ज़बरदस्त तावन किया इन्होंने, बहुत अच्छा तावन किया। ठीक है,
जो हमारे मेहमान थे जितना मतलब उन्होंने बात की तो उन्होंने भी बड़ा हमारे साथ ताउन किया, जैसे उन्होंने कहा वैसे ही उन्होंने किया। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका जी। ठीक है, शायद भाई भी हमारे साथ मौजूद है जी। शायद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दौरान हमारी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बहुत अच्छी रही इनके साथ। इनके साथ जो है ना रिलेशन एक बन गया है, एक जो है ना कम्युनिकेशन स्किल बन गई है। हमारे जो है ना नंबर चेंज हो गए हैं। अब इंशाल्लाह हम जो है ना रावलपिंडी या चकवालपिंडी की चक्कर लगाएंगे तो हम जो है ना जरूर इनके साथ। जी जी, लाजमी आप आए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा रहा इनके साथ, बड़ा अच्छा इन्होंने जो है ना। ठीक है, गुलाम सरवर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी भी जो खिदमात है उनको झुकलाया नहीं जा सकता। रोज़े के दौरान इन्होंने अपनी जो सर्विस को बहाल रखा। दिन इस यही टाइम था तकरीबन कोई 2:30, 3 बजे का, 4 बजे का जब यात्री वापस नाजरीन आ रहे थे, तो गुलाम सरवर भाई ने भी और उनकी टीम ने भी इस तरह एक अपना एक्शन लिया उन पेशेंट के लिए, उन यात्रियों के लिए, कि जैसे हो सकता है कि हॉस्पिटल में भी इतनी जल्दी सर्विस ना मिलती। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सरवर भाई का। सरवर भाई आप क्या कहना चाहेंगे दो अल्फाज के अंदर? जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक दोस्ताना माहौल में रह रहे थे, जो फैमिली और भाई पूरे हमारे एक साथ रह के एक अच्छे अंदाज में पेशेंटों का ट्रीट भी कर रहे थे, रेस्क्यू भी कर रहे थे और आपस में एक दोस्ताना माहौल में रहे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा भी लगा। बहुत शुक्रिया। आपको बताया कि वर्मा टुटू का जो इदारा है वो हिंगलाज माता पहुंचा और उन्होंने अपनी जो सर्विस थी उसको बहाल रखा। यात्री हो के या वहाँ पे मौसम या आप कह सकते हैं कि रमज़ान के महीने में हमारे जो अपना 1122 का इदारा है बलूचिस्तान का, उन्होंने बहुत खिदमात दी और जो यात्री थे वहाँ पर यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें बच्चे भी मौजूद थे, बीवी भी मौजूद थी, बुज़ुर्ग भी मौजूद थे, इन्होंने उनको बरवक्त रेस्क्यू किया। तो मैं अपने जो हमारी वाल्मीकि सभा है जो सनातन धर्म के लोग हैं इनके साथ मिलकर एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान 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 1122 इदारा। ये हमारे महाराज हैं, कल जब उतरे हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और उन्होंने पेन किलर मुझे तो बाजू में लगाया और जब उन्होंने ब्रेक मैं अपने वजारत की तरफ से इनका स्पेशल शुक्रिया।